Assalamu alaikum, Nazreen. This is Bindia, film, television and theater actress and singer from Pakistan. Aaj hum jis mauzu pe baat karna chahenge wo hai palmistry with Akbar Sarhadi. Akbar Sarhadi sahab bahut hi pyare palmist hain, bahut hi sahi batate hain. Haath dekhte hain to bas aap logon ka dil khush ho jayega. इस कदर सही बातें बताते हैं. हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था. तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इनसे राबता कीजिए. पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं. बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे राबता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे राबता कर सकता है. यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम. प्यारे दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है सरकारी नौकरी. हमारी बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, बहुत से बच्चे, बहुत सी बच्चियाँ अक्सर व बेशतर हमें सवाल करती हैं कि हमें सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो हम उनको बार बार कहते हैं कि सरकारी नौकरी की कोई लकीर हाथ में नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी बेशुमार मेलें आती हैं, बेशुमार व्हाट्सएप पे सवाल आते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो आज हम जो लकीरें बनाकर बता रहे हैं वो है आरामदेह नौकरी. आरामदेह नौकरी से मुराद सरकारी नौकरी. जो हमारे लोग चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें तो बड़े आराम से रहेंगे, जब चाहें छुट्टी कर लें, जिस वक्त चाहें आएँ, जिस वक्त चाहें जाएँ, यानी अक्सर उनका मकसद होता है आरामदेह नौकरी, असल मकसद सरकारी नौकरी नहीं होता. तो आज मैं हाथ में वो लकीरें बनाकर बताऊंगा कि जिससे बहुत ही सख्त मेहनत और जदोजहद के बाद सरकारी या आरामदेह नौकरी मिलेगी, और एक ऐसी लकीर बनाकर बताऊंगा कि नौकरी बग़ैर कोशिश के मिल जाएगी, और एक ऐसी लकीर बनाकर बताऊँगा कि नौकरी मिलेगी ज़रूर, जिसे हम आरामदेह नौकरी कहते हैं. तो सबसे पहले हाथ पे जो मैं लकीरें बना रहा हूँ, इन लकीरों को आप गौर से देखें, समझें, उसके बाद आप अपने दोस्तों के हाथ में, अजीज़ों रिश्तेदारों के हाथ में ये चीज़ आप देख सकते हैं. ये लकीरें बार बार बनाने का मकसद ये भी है कि हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जो पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि ज़िंदगी की लकीर कौन सी है, दिमाग की कौन सी है, किस्मत की कौन सी है, अच्छी लकीर कौन सी है, बुरी लकीर कौन सी है. तो इसलिए हम बार बार बना के बताते हैं, और साथ ही साथ हम आपको नाम भी बताते रहते हैं कि ये है ज़िंदगी की लकीर, यानी यहाँ से अंगूठे से यहाँ जो शुरू होती है इसको हम कहते हैं ज़िंदगी की लकीर, और इसके साथ एक लकीर होती है, जैसे कि ये लकीर मैंने बनाई है, इसको कहते हैं दिमाग की लकीर, और एक लकीर यहाँ से उसका आगाज़ होता है, उसका नाम है दिल की लकीर. इसके अलावा भी हाथ में बेशुमार लकीरें होती हैं और हर लकीर का अलग अलग मतलब होता है. तो आज बात हो रही थी सरकारी नौकरी की, तो किसी के हाथ में अगर इस तरह की लकीर है, इसे हम कामयाबी की लकीर भी कहते हैं, तो ऐसे बंदे को नौकरी बड़ी जदोजहद और बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश और बड़े धक्के खाने के बाद इसको आरामदेह ज़िंदगी मिलेगी, यानी आरामदेह नौकरी मिलेगी, जिसे सरकारी नौकरी कहा जाता है. उसके बाद अगर इसी लकीर को हम मज़ीद यानी बड़ा कर लें, ये यहाँ से हम इसको और मज़ीद बड़ा कर लें, तो ये समझें कि ये वो नौकरी है कि इनको समझें 25-30 की एज में इनको नौकरी मिल सकती है, 25 या 30 की जब उनकी एज होगी तो जब उन्हें नौकरी मिल सकती है. इसी को सरकारी नौकरी, बार बार हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब. तो आज मैंने वो लकीर बना के बताई, हालांकि हाथ में नौकरी की लकीर नहीं होती. हम पामिस्ट्री की ज़बान में इसको आरामदेह ज़िंदगी की, आरामदेह नौकरी की लकीर कहते हैं. तो ये है सरकारी नौकरी, यानी जो मिल जाती है बग़ैर कोशिश के. इसको अगर और मज़ीद अगर हम लंबा कर लें तो ये समझें बैठे बिठाए मिल जाएगी. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके वालिद किसी महकमे में होते हैं, किसी इदारे में होते हैं, तो उनकी जगह उनको नौकरी मिल जाती है, तो उनके हाथ में इस तरह की अलामत होती है, यानी ये लकीर काफ़ी लंबी होती है. जितनी लकीर छोटी होगी उतनी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जितनी लकीर बड़ी होगी उतनी ही बिला कोशिश के, बिला हुज्जत के, बिला यानी किसी चीज़ के इनको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है. और किस्मत की लकीर
जो मैं बना के बता रहा हूँ ये किस्मत की लकीर जो इनके साथ चल रही है, किस्मत की लकीर इससे जुड़ी हुई नहीं है लेकिन अलग है, और लाइफ लाइन से भी काफ़ी अलग है। लाइफ लाइन से किस्मत की लकीर का अलग होने का मतलब ये होता है कि बंदा अपने बलबोते पे अपनी कोशिश से अपनी हिम्मत से कोई मुकाम या नाम बनाता है, ठीक है ना। ये तो थी आज सरकारी नौकरी की, और इसके बाद शुरू करते हैं हम सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल हमें किया है शबाना वकार ने कि आने वाले हालात कैसे होंगे, दौलत कब आएगी, कितनी, ये अगला लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इन्होंने लिखा है कि आने वाले हालात कैसे होंगे, दौलत कब आएगी और हालात कितने अच्छे होंगे। दौलत कम आएगी या ज़्यादा, और दौलत कम आएगी या ज़्यादा आएगी, ये इनका सवाल है। इनके हाथ के प्रिंट के हिसाब से इनके हाथ में कामयाबी की जो लकीर है उसके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है, और ये क्रॉस हर हाथ में नहीं होता, ख़ास तौर पर कामयाबी की लकीर पर यह क्रॉस नहीं होता। इस क्रॉस से मतलब ये होता है कि अचानक पैसा आ जाना, अचानक बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाना, अचानक ही ज़िंदगी का पुरसकून हो जाना, यानी आप टेंशन में, परेशानियों में, मुश्किल में हैं तो अचानक उसमें से रास्ता बन जाए। हालांकि आपकी जो किस्मत की लकीर जो चल रही है शुरू में बड़ी शौख और बड़ी गहरी और बड़ी वाजे चल रही है, लेकिन चलते चलते वो लकीर टूट गई है और फिर आगे से वो लकीर उसके साथ मिक्स हो गई। उसके बाद फिर तीसरी बार योगा जनी, इसका मतलब ये है, मैं लकीरों को पर बोलता रहूँगा तो पूरा घंटा गुजर जाएगा। इन लकीरों के हिसाब से यानी गुज़िश्ता 2 या 2.5 साल का अरसा जो है उसमें कई मामलात में ठहराव है, कई मामलात में परेशानियां हैं, लेकिन ये 2020 के आगाज़ से ही वो क्रास जहां से काम कर रहा है, इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा और दौलत बेहिसाब आएगी, क्योंकि कामयाबी की लकीर पर क्रास होना एक बहुत बड़ा चांस और बहुत बड़ी कामयाबी मिलने के मतलब इसका ये होता है। उसके बाद आपके हाथ में अल्लाह के फजल व करम से जो मुश्तरी का उभार है उसके नीचे भी यानी वो उभार भी उभरा हुआ है, उस उभार का उभरना भी यानी कामयाबी की अलामत होता है। अब जो गुज़िश्ता आपका थोड़ा पीरियड यानी 2-3 जगह में ब्रेक किया, रुकावटें आई, परेशानियाँ आई, मामलात आए, अब उनको क्रॉस करके आप आगे आ गई हैं, और मुश्तरी के नीचे तीन जनी चांद बने हुए हैं। ये तीन चांद बनना ये होता है कि जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी तमन्ना है, जो आप चाहती हैं, अल्लाह के हुक्म से वो वक्त आने वाला है। लेकिन ये जो पिछला वक्त गुजरा है थोड़ा मुश्किलों का, अब वो मुश्किलें जनी आपसे बैग हो रही हैं और आप आगे बढ़ रही हैं। तो उसके बाद सवाल किया है अली आदिल साहब ने सवाल किया है रावलपिंडी से, काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहा हूँ मगर नुकसान हो रहा है, मेरे लिए कारोबार बेहतर है या नौकरी। प्यारे भाई अली आदिल साहब, आपके लिए कारोबार बहुत अच्छा है और आप कारोबार ही करें, नौकरी आपके बस का काम नहीं है। लेकिन एक बात का जो ना ख़ास तौर पर ख्याल रखें, जिस काम का इरादा कर लें उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने से पहले कोई कदम ना उठाएँ, वरना किसी मुश्किल में भी आ सकते हैं और किसी परेशानी में भी आ सकते हैं। और बेहतर सिर्फ ये है कि जिस काम की ठान लो वो कर गुज़रो, इसी में आपकी कामयाबी नज़र आती है। उसके बाद अगला सवाल किया है फराज़ हसन ने सादकाबाद से। फराज़ हसन साहब ने सवाल किया है सादकाबाद से, मेरे हाथ में कामयाबी की लकीर है और शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। आपके हाथ में जो शादी की लकीर है उसके हिसाब से शादी ख़ानदान में होगी और शादी अल्लाह के फजल से कामयाब और बेहतर होगी। उसके बाद अगला सवाल किया है वहीद गुल ने सोदिया से, मैं छोटा था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, से सारी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, ज़िंदगी बहुत मुश्किलात का शिकार है, अच्छा वक़्त कब आएगा। प्यारे दोस्त, जिस तरह का वक़्त आपने गुजारा या जिस तरह का वक़्त आपके ऊपर आया, ऐसा सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, आपकी तरह के बेशुमार लोग हैं कि जिन पर जिन्हें छोटी ही उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेवारियां और बहुत बड़े बोझ पड़ गए, लेकिन उन्होंने हालात का मुकाबला किया और आज वो लोग कामयाब लोग हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़
आप ये हमारी डेट अपने पास डायरी में नोट कर लें कि 2021 और 2022 में इंशाल्लाह अल-अज़ीज़ आप इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से बाहर निकल आएंगे और इंशाल्लाह अल-अज़ीज़ आने वाला वक्त आपका बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर होगा। उसके बाद अगला सवाल किया है 1125 ने, 1125 ने सवाल किया है कराची से, शादी कब होगी, बीवी कैसे मिलेगी। प्यारे दोस्त, हमने नहीं देखी कि आपकी बीवी कैसी होगी या हमें नज़र नहीं आता कि आपकी बीवी कैसे होगी, तो हम आपको बताते। ये ज़रूर है कि आपकी शादी पसंद की होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। और हम हर प्रोग्राम में बार बार कहते हैं कि आपने जिसके बारे में सवाल करना हो उसके हाथ का प्रिंट हमें भेजा करें, यानी उसके हाथ की फ़ोटो भेजा करें, फिर उनके मुतल्लिक सवाल किया करें। आप हाथ की फ़ोटो अपनी भेजते हैं और सवाल करते हैं बीवी के बारे में, और हाथ की फ़ोटो अपनी भेजते हैं सवाल करते हैं शोहर के बारे में, तो उसका हम कुछ नहीं बता पाते। तो प्यारे दोस्त, आपके लिए बेहतर है अगर किसी से मोहब्बत लिंक या कोई ऐसा सिलसिला है तो उनके हाथ की तस्वीर भेजें, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी बीवी कैसे होगी और किस तरह होगी। बहरहाल आपकी लकीरों के हिसाब से आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी मालूम होती है, बड़े चांस मिलेंगे शादी अपनों में होगी। उसके बाद सवाल किया है उम्मे हबीबा ने कराची से, मैं जहाँ चाहती हूँ मेरा रिश्ता वहाँ हो रहा है, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल से आप जहाँ चाह रही हैं वहाँ पर रिश्ता होगा और आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी और 3 से 4 ट्रेवल भी आप करेंगी, 3 से 4 बड़े लॉन्ग सफ़र भी आप करेंगी और वो सफ़र भी कामयाब सफ़र होंगे। सफ़रों की डेट के बारे में अभी हम आपको डेट और सन वगैरह नहीं बता पाते, लेकिन सफ़र बहुत कामयाब सफ़र होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें और इसी तरह आप सवाल करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इंशाल्लाह अल-अज़ीज़ हम आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।